भारतीय रेलवे के ज्यादातर विभाग अब डिजिटल होता नजर आ रहा है। अब NCR रेलवे के कई TT अब डिजिटल सुविधाओं से लैस किए जा रहे हैं। उन्हें HHT डिवाइस उपलब्ध कराई जा रही है। HHT डिवाइस का मतलब है हैंडहेल्ड टर्मिनल है, जो यात्रा के दौरान टिकटों की जांच करने में ट्रेन में मौजूद TT और यात्रियों की मदद करेगा। ये डिवाइस उन यात्रियों के लिए भी मददगार साबित होगा जिनको ये पता करना होता है कि आने वाले स्टेशन में ट्रेन में कोई सीट खाली हो रही है या नहीं। बता दें कि कई सालों से जब भी आप ट्रेन का सफर कर रहे होते हैं तो टिकट चेक करने के दौरान ट्रेन में मौजूद TT के हाथों में आप पेपर के रिजर्वेशन चार्ट देखते रहे होंगे, लेकिन अब रेलवे विभाग हर TT को डिजिटल करने में जुट गया है, या यूं कहें कि पेपरलेस किया जा रहा है। इसके लिए बकायदा इन सभी TT को डिवीजन वाइज ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं इस डिवाइस का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये पेपरलेस होने की वजह से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सहयोग करेगा। साथ ही साथ ये डिवाइस नॉर्मल टैब की तरह ही काम करेगा। टिकट रिजर्वेशन चार्ट के साथ साथ इसमें कई तरह की रेलवे से जुड़ी समस्याएं भी अपडेट होती रहेंगी। इतना ही नहीं, कोई जानकारी आदान प्रदान करने के लिए TT इस डिवाइस से फोन की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। NCR रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवम शर्मा के मुताबिक ये एक ऐसी तकनीक है जिससे TT के साथ साथ यात्रियों को भी फायदा मिल सकेगा। हालांकि अभी पहले फेज में NCR की कुछ ही ट्रेनों पर इसकी शुरुआत की गई है। बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे की पहली ट्रेन जिसमें हैंडहेल्ड टर्मिनल की सुविधा शुरू हुई थी वो कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस थी। इसी कड़ी में अब ताज एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, श्रम शक्ति एक्सप्रेस में HHT की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि आगरा दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस में चेकिंग स्टाफ को आगरा छावनी पर HHT उपलब्ध कराए गए हैं। बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे को 1018 HHT रेलवे विभाग की तरफ से दिए गए हैं, जो अलग अलग डिवीजन में बांट दिए गए हैं। डॉक्टर शिवम शर्मा ने यह भी बताया कि आने वाले 1-2 महीनों में हर ट्रेन के TT इसी तरह ही डिजिटल नजर आएंगे। TTs को हैंडहेल्ड डिवाइसेस या HHT कहते हैं, हैंडहेल्ड टर्मिनल्स, ये उपलब्ध कराए गए हैं। अभी तक आपने देखा होगा TTs चार्ट लेके चलते थे और वेटिंग क्लियर करने में भी जब एक बार चार्ट बन जाता था उसके बाद लोगों को वेटिंग का पता नहीं चलता था। तो ये एक ऑल इंडिया लेवल पे प्रोविज़न करा जा रहा है इनका HHTs का। उसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे में हमने 1000 से ज़्यादा HHTs अभी हमें मिले हैं, जिसको कि तीनों मंडलों में, आगरा, झांसी और प्रयागराज मंडलों में दिया गया है। हमारी कानपुर शताब्दी ट्रेन जो थी वो सबसे पहली ट्रेन थी जिसमें कि HHTs को लागू किया गया था। उसके TTs सबसे पहले, जैसा आपने कहा, डिजिटल स्मार्ट बने थे। और अभी हमने 2 दिन पहले ही इसको प्रयागराज एक्सप्रेस में, श्रम शक्ति एक्सप्रेस में और हमसफर एक्सप्रेस में प्रयागराज मंडल में, इसके अलावा आगरा दिल्ली इंटरसिटी आगरा मंडल की ट्रेन है और ताज एक्सप्रेस में झांसी मंडल में, इसमें ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें कागज़ की बचत, जो अगर इसको हम पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखें तो जो कागज़ कंज्यूम होता है चार्ट में, वो सब उसकी बचत होगी, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम है। दूसरी चीज़ पैसेंजर कन्वीनियंस, और बल्कि मैं कहूँगा ये फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समय के साथ साथ इस बदलते परिवेश में रेलवे का आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ता रुझान एक सकारात्मक कदम है। NCR के प्रयागराज स्टेशन में इन दिनों TT के ग्रुप को HHT डिवाइस की ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब 4 घंटे तक इस ट्रेनिंग का संचालन किया जाता है। प्रयागराज मंडल से जुड़े तकरीबन 328 TT के ग्रुप को सब CIT सचिन कन्नौजिया ट्रेनिंग दे रहे हैं। सचिन कन्नौजिया का कहना है कि अब तक 60 TT को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जबकि बचे हुए TT को हर दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद TT बेहद खुश हैं और वो अब इस नई तकनीक की जमकर सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले वो पेपर का रिजर्वेशन चार्ट लेकर जाते थे, उसमें कई तरह की दिक्कतें आती थीं। ऐसे में इस डिवाइस के जरिए अब सब कुछ आसान हो जाएगा। टिकट सीट की सूचना के साथ साथ बाकी सुविधाएं भी इस डिवाइस में रहेंगी, जो उनके काम को और आसान बनाएंगी। उत्तर मध्य रेलवे के TT भी अब डिजिटल होते नजर आ रहे हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन में और आप ठीक हमारे बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टिकट कलेक्टर हैं उनके हाथों में आप देख सकते हैं कि एक टैब रखा गया है, और ये टैब जो है अब आपको ट्रेनों में नज़र आएगा। जब ये आपकी जो टिकट है, कंफर्मेशन सीट मिली है कि नहीं मिली है, आखिर वो यात्री को कहाँ बैठना है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो इस टैब में आपको नज़र आएगी। और अब इनको भी डिजिटल बना दिया गया है,
साथ ही साथ कोई समस्या ना आए उसको ध्यान में रखते हुए पेपर लेस कर दिया गया, या फिर हम ये कहें कि टीटियों को पेपर लेस करके ये एक डिवाइस इनके हाथ में दी गई है, जिसको कहा गया है कि ये HHT जो डिवाइस है वो है हैंडलिंग टर्मिनल है, और इससे हर एक यात्री का जो रिकॉर्ड है, आखिर किस ट्रेन में वो बैठना है, कौन सी सीट नंबर पे बैठना है, उसका जो रिकॉर्ड है वो इसी डिवाइस पर सेव होगा। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं सभी TTO को, किस तरह की ये ट्रेनिंग है और किस तरीके से वर्क करेगा? ये एक ऐप है HHT क्रिस क्लाइंट ऐप, जिस पर जो है HHT का जो है सारा फंक्शन काम करता है, और उस फंक्शन को किस तरह से काम करना है, उस ऐप पर किस तरह से काम करना है, वो ट्रेनिंग हम यहाँ पर अपने स्टाफ को दे रहे हैं, और ये HHT किस तरह से फंक्शन करती है, कैसे चलाई जाती है, उसका जो है सारा जो है जानकारी हम अपने सारे जो है TTs को जो है दे रहे हैं। अच्छा, एक ट्रेनिंग कितने दिनों से चल रही है और कब तक ये ट्रेनिंग चलेगी और कितने ट्रेनों में अभी जब तक कि हमारे सारे TT ट्रेन नहीं हो जाए तब तक ये ट्रेनिंग चलेगी, क्योंकि अभी कुछ नया जो है हमारे हाथ में आया है और हम उसको ट्रेनिंग क्रिस के द्वारा करके आए हैं, और अपने सारे TTO को जब तक सिखा नहीं देते हैं तब तक ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। कितना फ़ायदा आप लोग को हो रहा है, क्योंकि अब आप लोग पेपरलेस हो गए हैं, पहले आप लोग को पेपर बहुत कैरी करना पड़ता था, अब आप लोग डिजिटल हो गए हैं। इससे हमें बहुत सुविधा हो रही है, यात्रियों को बहुत सुविधा हो रही है, जिससे अब हम लोगों को पेपरलेस कर दिया गया है। पेपर ले जाने में भी दिक्कत होता था, अब डिजिटल के माध्यम से हम यात्रियों को सुविधाएँ दे सकेंगे, उनकी बर्थ और उनको आगे जाने का पूरा सीट अलाट कर सकते हैं, आगे जिस तरह से बोर्डिंग है क्या है सब इसमें दिखाता रहेगा। ट्रेनिंग में सारी चीज़ समझ में आ रही है आपको? हाँ, धीरे धीरे आ रही है, सभी चीज़ें समझ में आ रही है। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये TT साहब हैं और इनके हाथों में जो ये डिवाइस है वो यहाँ पर रखा गया है, रोज़ाना जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से 2 ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें ये डिवाइस जो है वो वर्क करती है। हालाँकि ये भी दावा है अधिकारियों का कि जल्द से जल्द हर एक ट्रेन में HHT जो है वो वर्क करेगा। वेड़ो जर्नलिस्ट रंग उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब के TV प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।